प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से वोकल फॉर लोकल अब राष्ट्र सेवा का मंत्र बन गया है। देश ने कमर कस ली है और देखते ही देखते दुनिया पर छा गए हैं हमारे भारतीय उत्पाद। जेमस्टोन्स, ज्वेलरी, खिलौने, हस्तशिल्प और हमारे स्थानीय कारीगरों के बनाए उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़ा है। 2020-21 में हस्तशिल्प निर्यात 39,490 करोड़ रुपए का था, जो 2021-22 में 25% की ग्रोथ के साथ बढ़कर 49,385 करोड़ रुपए का हो गया है। इसी तरह भारतीय खिलौने भी अब दुनिया भर के बच्चों को खूब भा रहे हैं। 2013-14 में अप्रैल सितंबर के दौरान मात्र 774 करोड़ रुपए के खिलौनों का निर्यात हुआ था, लेकिन 2022-23 की समान अवधि में 234% से भी ज्यादा की ग्रोथ के साथ भारतीय खिलौनों का निर्यात बढ़कर 2,587 करोड़ रुपए का हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वोकल फॉर लोकल की शानदार पहल से अब भारतीय उत्पाद तेजी से ग्लोबल हो रहे हैं। वोकल फॉर लोकल की सफलता की एक और शानदार मिसाल है खादी। वर्ष 2014-15 में जहां खादी उत्पादों की बिक्री मात्र 33,136 करोड़ रुपए की थी, वहीं 8 साल में 248% की जबरदस्त ग्रोथ के साथ 2021-22 में खादी की बिक्री सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1.15 लाख करोड़ रुपए पर जा पहुंची है। दुनिया भर में हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। हमारे आत्मविश्वास के साथ हमारी इकोनॉमी भी सुदृढ़ हो रही है। आत्मनिर्भरता के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा भारत अब वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ दुनिया के बाजार पर छा रहा है।